आज फूड मेरी दिल्ली जिस शॉप पे आई हुई है वो फेमस है अपने डिफरेंट वैरायटीज़ के समोसे के लिए। इनके पास बहुत तरीके की वैरायटी के समोसे मिलते हैं, जैसे कि चाप समोसा, मैगी समोसा एंड पिज़्ज़ा समोसा, चीज़ कॉर्न समोसा। इतने डिफरेंट वैरायटीज़ हैं कि और प्राइसेस भी इतने ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये पिज़्ज़ा समोसे में क्या कौन सी फिलिंग होती है इसमें? ये चीज होती है शिमला, प्याज, टमाटर। ये हमारा चिल्ली मशरूम समोसा। चिल्ली मशरूम समोसा, ये देखिए, ये चिल्ली मशरूम समोसे की फिलिंग है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और अच्छी लग रही है। ये कितने रुपए का देते हैं आप ये चिल्ली मशरूम? 20 का है मैडम। ये 20 रुपीज का है? ये देखिए हमारा ये चिली, आपने कौन सा था? चिली मशरूम समोसा। ये मशरूम समोसा पहले रेडी हो गया है, ये देखिए। नेक्स्ट हमारा आ गया है पास्ता समोसा। ये हमारा ये पास्ता समोसा लग रहा है, हमने पास्ता इसमें भर दिया है। ये रेडी हो गया पास्ता समोसा। पास्ता समोसा का क्या प्राइस रहता है? पास्ता है 15 का। 15 रुपए। अभी नेक्स्ट हमारा समोसा लगने के लिए जा रहा है चिल्ली मशरूम, चिल्ली चाप। ये चिल्ली चाप है, चिल्ली चाप समोसा है ये आपके पास। देखिए इनके पास काफी वैरायटी है, इनके पास 20 से ज्यादा समोसों की वैरायटी है। ये हमारा चिल्ली पनीर, ये चिल्ली पनीर समोसा। आप फिलिंग देखिए कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसमें पूरे मसालों का प्रयोग इसमें दिख ही रहा है कि भर भर के डाला हुआ है इसमें, और पनीर के भी मोटे मोटे पीस डाल रहे हैं ये हर फिलिंग में। देखिए आप कौन सा बताया था आपने? ये चिल्ली पनीर। चिल्ली पनीर, काफी ज्यादा वैरायटी है इनके पास समोसे की, और काफी डिफरेंट वैरायटी है इनके पास। मंचूरियन, ये आ गया मंचूरियन समोसा। मंचूरियन की फिलिंग कितनी बॉल्स डालते हो आप? एक तीन डालते हैं। अच्छा, तीन बॉल्स डालते हो? तीन मंचूरियन बॉल्स डाली हुई है समोसे में। ये है मंचूरियन समोसा, ये सारे समोसे रेडी हो रहे हैं। अच्छा भैया, पता कैसे लगाते हो कि कौन सा कस है? अलग अलग प्रकार के निशान लगा देते हैं। अच्छा, आप निशान लगा देते हो अलग अलग प्रकार के? फोल्ड कर देते हैं। ये हमारा चीज स्वीट कॉर्न। कौन सा? चीज स्वीट कॉर्न। चीज स्वीट कॉर्न, ये देखिए। ये पिज्जा से और चीज स्वीट कॉर्न में क्या फर्क है भैया? मैडम, चीज स्वीट कॉर्न है वो पिज्जा है, अलग अलग मतलब टेस्ट आता है। अच्छा, टेस्ट अलग आता है, मतलब फिलिंग में डिफरेंस होगा उनके मसाले में। ये देखिए हमारा ये चीज स्वीट कॉर्न समोसा रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा लग रहा है मैगी। ये कौन सा है? मैगी समोसा। नॉर्मल मैगी तो आपने खाई होगी वो काफी ज्यादा, लेकिन ये है लग रही है हमारी मैगी समोसा। ये देखिए मैगी समोसा का क्या प्राइस रहता है? मैडम, ये 20 का है। ये 20 रुपीज का है। ये रहा हमारा मैगी समोसा। चौमिन समोसा, कौन सा आपने बोल रहे? चौमिन समोसा। ये रहा, देखिए ये रही चौमिन, चौमिन समोसा है। ये देखिए ये कितनी यूनिक है, मतलब काफी वैरायटी तो मैंने खुद नहीं सुनी है जबकि मैं दिल्ली में बचपन से रह रही हूँ। ये देखिए इनके समोसे की अलग अलग मार्किंग है, तभी भैया पता लगा पाते हैं कि ये समोसा अलग कौन सा वाला है, वरना तो कंफ्यूजन हो जाएगी, पता लगा भी नहीं पाएंगे। क्या चीज है भैया? ये मैडम फ्राइज है, ये वेज कबाब है। अच्छा, ये चाप है जी, और स्प्रिंग रोल है। अच्छा, समोसे के अलावा आप ये भी सब देते हैं? ये देखिए भैया समोसे डाल रहे हैं, दिखाएंगे भैया आप? ये देखिए सारे बनके रेडी हो गए, सारे मिक्स है भैया ये वाले? जी हाँ जी। नॉर्मल आलू का समोसा है, उन्होंने भैया ने मार्क कर दिया इसे। ये भैया आप मार्किंग क्या लगा रहे हैं इसमें? ये मैडम बेसन है। अच्छा, बेसन है। ये आलू का समोसा है नॉर्मल? हाँ जी, आलू मटर। अच्छा, ये आलू मटर का समोसे का प्राइस क्या है भैया? 10 रुपए का। तो यहाँ से 10 रुपए से वैरायटी शुरू होती है, और एंड कहाँ तक जाती है आपकी वैरायटी? 20 तक जाती है। सिर्फ 20 रुपए तक आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी समोसे में, 10 रुपए से शुरू होके 20 रुपए तक। भैया क्या मैं आपका, तो आपके एक एड्रेस बता दीजिए मेरे को, अगर लोग यहाँ पे आ सके तो। यहाँ पे पड़ेगा रोहिणी सेक्टर 13 सचदेवा स्कूल के पीछे पड़ेगा, बैक साइड में। तो आपकी टाइमिंग से क्या रहती है? टाइमिंग मैडम रहती है 3 बजे से लेकर 9 बजे तक। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक। आपको आइडिया कैसे आया अपनी वैरायटी के समोसे के लिए? वो तो मेरे पापा ने लगाया आइडिया है। अच्छा, हाँ जी। तो आप कितना टाइम से कर रहे हैं यहाँ पे? हो गए 17-18 साल हो गए। 17-18 साल। तो आपके फादर भी यही काम करते थे? यही काम करते हैं। अच्छा, तो आपको पहले स्टार्टिंग से यही था या फिर इससे पहले मतलब कुछ और? पहले पुरानी दिल्ली में लगाते थे हमारे दादा ब्रेड, मूंग का दाल का पकौड़ा। अच्छा,
तो अब आपने ये स्टार्ट किया? ये स्टार्ट कर दिया, चाइनीज सारा आता था काम। अच्छा अच्छा, भर के देखा, अच्छा लगा लोगों को, बनाने लगे। देखिए हमारे समोसे लग रहे हैं, पास्ता, ये पिज्जा और ये चिली पनीर जी। और इसके ऊपर उन्होंने मसाले स्प्रिंकल कर दिए हैं, मसाले डाल दिए पिज्जा में, ओरिगैनो ओरिगैनो लग गया पिज्जा समोसे जी। लीजिए मैडम, ये मैडम हमारी सलाद है, हम समोसे के साथ देते हैं। अच्छा, समोसे के साथ सलाद देते हैं भैया। ये देखिए उन्होंने चटनी डाल दी है इसके साथ, मीठी वाली। और ये रही जी मैडम, धनिया मिर्ची होती है हमारी। अच्छा, धनिया मिर्ची की। ये देखिए, तो ये हमारे समोसे रेडी होके आ गए हैं। मेरा नाम सुदीप है। तो आपने इनके कौन कौन से समोसे ट्राई करे हैं? मैंने इनका मंचूरियन, पिज्जा, ऑलमोस्ट सारे समोसे ट्राई कर रखे हैं। तो आपको कैसे लगते हैं? मेरे को इनके यहाँ के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि आज से नहीं, कम से कम पिछले 6-7 सालों से हम यहाँ से खा रहे हैं समोसे। अच्छा। और स्पेशल हम कई बार हरियाणा से आए हैं अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए यहाँ पर, तो यहाँ का जो टेस्ट है वो पूरी दिल्ली में मेरे को अभी तक कहीं नहीं मिला। काफी अफोर्डेबल हो जाती होगी क्योंकि इनके प्राइसेस इतने अफोर्डेबल हैं। बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस है इसके अंदर, यूँ लगा लो कि हम लगभग सारे ही कॉलेज स्टूडेंट जितने भी आते हैं, कॉलेज फ्रेंड सारे यहाँ से बिल्कुल पेट भर के जाते हैं। वैसे तो इनके पास काफ़ी वैरायटी के समोसे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 तरीके के समोसे लगवाए हैं। ये है इनका पास्ता समोसा, ये और ये है इनका पिज़्ज़ा समोसा, और ये है इनका चिली पनीर समोसा। आप ये देख सकते हैं कि इनके कितने बड़े बड़े पीस हैं पनीर के। और ये सैलेड और 2 तरीके की चटनी के साथ सर्व करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी ये पास्ता समोसा। टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मल पास्ता से मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बढ़िया टेस्ट होगा, वाकई में टेस्ट बहुत लाजवाब है। ये है इनका पिज़्ज़ा समोसा, इन्होंने ओरिगैनो स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर। इन्हें मैं थोड़ी चटनी ले लेती हूँ, रेड सॉस, मीठी वाली है ये। पिज़्ज़ा समोसा बहुत ज़्यादा एपिक है, इनमें टेस्ट आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है इंडियन समोसा और पिज़्ज़ा का। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। मैंने टू बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा टेस्टी होगा, बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है प्राइस के अकॉर्डिंग। तो मतलब इतने कम प्राइस में कैसे दे पा रहे हैं, मैं खुद ज़्यादा इतनी ज़्यादा हैरान हो गई हूँ यहाँ पे आके। और ये नेक्स्ट है इनका चिली पनीर समोसा, ये आप देखिए, इन्होंने काफ़ी इन्होंने पनीर के इनमें मोटे मोटे क्यूब, मतलब क्यूब्स डाले हुए हैं। और ये देखिए उसमें इन्होंने वेजीज भी डाली हुई है, चिली पनीर समोसा है ये, बहुत लाजवाब, बहुत एपिक, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, इतना अच्छा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई रियली लाइक इट। अगर आप रोहिणी में रहते हैं या फिर रोहिणी विजिट कर रहे हैं या फिर अगर आप दिल्ली में कहीं भी रहते हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ और इनका समोसा ट्राई ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।